हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को जो एम्पलीफायर आपका डेड हो चुका है, जिसमें सप्लाई की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, या फिर सप्लाई नहीं आ रही है, या फिर इंडिकेटर नहीं शो हो रहा है फ्रेंड्स। जैसे फिर मेरे पास एम्पलीफायर है, इसमें ये इंडिकेटर है, ये डिस्प्ले है। और फ्रेंड्स, आपका कोई पुराना एम्पलीफायर पड़ा हो जिसमें इंडिकेटर डिस्प्ले नहीं चल रही है, या फिर इसमें कोई भी करंट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो आप लोग इस वीडियो में सही करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग उसको सही कर सकते हो फ्रेंड्स। वो क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका इंडिकेटर में शो नहीं होती लाइट, या फिर आपका एम्पलीफायर ऑन नहीं हो पाता है, वो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और साथ ही सही करके दिखाऊंगा कैसे उससे आप सही कर सकते हो फ्रेंड्स। और साथ ही फ्रेंड्स, कौन सी सप्लाई आप लोग अपने एम्पलीफायर के अंदर लगा सकते हो, वो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कि अगर फ्रेंड्स आपने बिल्कुल भी वीडियो स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आप अपने पुराने एम्पलीफायर को सही कर सकते हो फ्रेंड्स। जो भी आपके पास पुराने एम्पलीफायर डेड पड़ा हो जिसमें सप्लाई का प्रॉब्लम है, वो आप कैसे सही कर सकते हो वो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देखना है। तो चलिए फिर बिना वक्त वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं फ्रेंड्स कैसे आप लोग अपने पुराने एम्पलीफायर को सही कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पास ये वाला एम्पलीफायर देख सकते हो, तो फ्रेंड ये एम्पलीफायर मेरे का बिल्कुल डेड हो चुका है। ना इसमें इंडिकेटर आता है फ्रेंड्स, ना इसकी डिस्प्ले चलती है, ना इसका स्पीकर चलता है फ्रेंड्स, कुछ भी शो नहीं होता है। और जैसे कि फ्रेंड्स, इसके कुछ भी सप्लाई नहीं आती है, वो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो में सही करके दिखाऊंगा कैसे आप लोग इसे सही कर सकते हो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर को खोल लेता हूँ और खोल के आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा खोलने में समय ना लगे इसलिए मैंने इसके पहले ही नट बोल्ट निकाल लिए थे, तो जल्दी से खोल लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, खोल लिया मैंने, देख सकते हो। तो खोलने के बाद आपको क्या क्या सामान देखने को मिल जाएगा वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा 6283 का ऑडियो किट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्पीकर, और इधर देखने को मिल जाएगा आपको 3 वॉल्यूम, देख सकते हो 3 वॉल्यूम। और ये आपका MP3 कार्ड देखने को मिल जाएगा एक, जिसकी वजह से पूरा एम्पलीफायर चलता है फ्रेंड्स, जिसमें आपको ऑडियो चलता है। यदि गाने चलाते हो आप, FM चलाते हो, वो आपका सारा काम ये MP3 कार्ड करता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप लोग से ऑन करके दिखाता हूँ कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे फ्रेंड, मेरे पास ये तार है, देख सकते हो इसका ये तार है, ये रहा इसका तार है ये वाला। तो इसे आपको प्लग मिला के दिखाता हूँ कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रहा मेरा बोर्ड, देख सकते हो। तो इसमें ऑन करके दिखाता हूँ कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर ये मैंने लगा लिया इसके अंदर, और देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है, ना इसकी LED चल रही है और ना इसकी डिस्प्ले चल रही है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है, इसको ऑन है, देख सकते हो। यहाँ इसका ऑफ ऑन होता है, आवाज़ आ रही होगी आपको, ये ऑन है बिल्कुल। तो ये ऑन हो चुका है, और ना तो इसमें कुछ इंडिकेटर चल रहा है फ्रेंड्स, ना कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ना इसमें साउंड आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा फ्रेंड्स। तो इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, आपके सप्लाई में दिक्कत है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप लोग अपनी सप्लाई चेक कर लेनी है कि गलती से अगर आपके सप्लाई में दिक्कत नहीं भी होगी, अगर फ्रेंड्स आपने कुछ तार उल्टा लगा दिया, तो उसकी वजह से फ्रेंड्स आपकी सप्लाई ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग अपनी सप्लाई चेक कर लेनी है। सप्लाई आप लोग कैसे चेक कर सकते हो वो आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। आपको एक टेस्टर ले लेना है, ये देखते हो टेस्टर है मेरे पास। इस टेस्टर को फ्रेंड्स आपको यहाँ टच करके दिख लेना है। ये दो तार आपको दिख रहे होंगे, ये वाले, ये दो तार जो दिख रहे हैं आपको, इसके दोनों तार के जो टाँके लग रहे फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको टेस्टर टच करके देखना है। अगर फ्रेंड्स आपके इसमें सप्लाई आ रही होगी तो टेस्टर में बत्ती होती है वो जल जाती है। तो सबसे पहले टच करके दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। जैसे कि इसका कोई लाइट नहीं जल रही है, देख सकते हो, दोनों पर देख ले टच करके फ्रेंड्स, देख सकते हो कहीं भी लाइट नहीं जल रही है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका सप्लाई नहीं आ रही है, ना इससे करंट आ रहा है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से पूरा ऑन नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद आपको एक चीज़ और चेक कर लेनी है फ्रेंड्स। जैसे कि ये वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये वॉल्यूम होता है ये वाला ऑफ ऑन का। तो इस ऑफ ऑन के वॉल्यूम में भी आपको टच करके देख लेना दोनों तारों को, कि अगर गलती से कभी आपको ऑफ ऑन ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से फ्रेंड्स आपकी सप्लाई आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये दो पिन जो आपको दिख रही होगी, ये दो पिन दिख रही है आपको, दो तार, इन दोनों तारों को शॉर्ट कर लेना आपस में। तो ये दोनों तार मैंने आपस में शॉर्ट कर लिए फ्रेंड्स, देख सकते हो, देख सकते हो शॉर्ट कर लिए दोनों तार। तो जब भी इसमें इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे फ्रेंड्स, देख सकते हो शॉर्ट कर रखा है बिल्कुल, कहीं भी इंडिकेटर नहीं चल रहा फ्रेंड्स, ये देख सकते हो LED पे। तो इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, हमारे ट्रांसफार्मर में लाइट है फ्रेंड्स, वो इधर नहीं आ पा रही है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और चेक करनी है, जिसकी मेन सप्लाई होती है फ्रेंड्स, ये वाली देख सकते हो, ये रेड कलर की जो मेन सप्लाई होती है वाली, ये जो मेन सप्लाई होती है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, जो कि ये वाला तार होता है, ये मेन सप्लाई यहाँ की आ रही है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मेन सप्लाई चेक कर लेनी है कि आपके मेन सप्लाई में तार वार में करंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आपको चेक कर लेना है एक बार। तो इसको सब चेक करने से पहले इसका टेप निकाल लेना हमें। तो सबसे पहले इसे निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स मैं, कि इसका टेप निकालना है, कि गलती से अगर इसमें करंट आ रहा होगा तो मुझे करंट लग जाएगा।
इसे खोल लेता हूँ मैं टेप को बाहर। ये देखिए मैं टेप निकाल ली इसकी। तो फ्रेंड्स मैं इसकी टेप निकाल लिया, देख सकते हो। जैसे फ्रेंड्स इसके तार बिल्कुल सही लगे हुए हैं, अब देख सकते हो तार को सही से जॉइंट है इसके। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों के ऑन कर दिखाता ऑन करता हूँ और ऑन करके आपको चेक कर देखता हूँ कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मैंने बोर्ड में लगा लिया, देख सकते हो। ये देखिए बोर्ड में लगा लिया। तो अब आप लोगों के टेस्टर से आपके तार टच करके आपको चेक कर लेना है कि इसके अंदर आपको लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स टेस्टर में लाइट जल रही है, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का इसमें लाइट जल रही है और इसमें भी लाइट जल रही है फ्रेंड्स हल्की हल्की सी। कि फ्रेंड्स दोनों में डबल लाइट ज़्यादातर नहीं जलती है, उनको हल्की जलती है क्योंकि एक में हल्की आती है एक में थोड़ी तेज़ आती है फ्रेंड्स करंट। कि अगर ये पूरा सेटअप चालू आता है फ्रेंड्स तो दोनों के अंदर तार में सेम करंट आता है। देख सकते हो इसमें लाइट जल रही है, आपको दिख रहा होगा हल्का था। देखिए दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स हमारे इसमें सप्लाई बिल्कुल सही आ रही है, तब इसे निकाल लेता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमारे ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारा ये सेटअप ऑन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर का नंबर होता है फ्रेंड्स वो है 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर, कि 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और फ्रेंड्स आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाकर ट्रांसफार्मर लेके आओगे 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का तो आप लोग 70-80 रुपये मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास वो ट्रांसफार्मर पड़ा हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाकर भी ट्रांसफार्मर लगा के इसमें चेंज कर सकते हो। तो फिर इससे आसान एक तरीका आप लोगों को और बताता हूँ जो कि आप लोग काफ़ी सस्ते में पड़ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपके पुराना सेटअप बॉक्स पड़ा हो या फिर कोई डिश टीवी पड़ा हो पुराना जिसके अंदर फ्रेंड्स आपका 12 वोल्ट का अडैप्टर यूज़ होता हो, जैसे कि मेरे पास यह अडैप्टर देख सकते हो। ये देखिए 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडैप्टर है। वैसे फ्रेंड्स 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर चलता है इसके अंदर, लेकिन 12 वोल्ट 2 एम्पीयर चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडैप्टर है। तो फ्रेंड्स अगर आपके डिश टीवी का पुराना कोई अडैप्टर पड़ा हो 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का या फिर 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का या 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का, वो फ्रेंड्स आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। तो कैसे यूज़ कर सकते हो वो आप लोग दिखाता हूँ। नहीं तो फ्रेंड्स अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाकर आप 12 वोल्ट 1 एम्पीयर या 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का अडैप्टर लेकर आओगे तो आप लोग 50-60 रुपये मिल जाएगा, जो कि फ्रेंड्स आपके ट्रांसफार्मर से काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो आप इसकी यहाँ पे 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का अडैप्टर लगा सकते हो। तो सबसे पहले करना है फ्रेंड्स आप लोग ये अडैप्टर ऑन कर दिखाता हूँ कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि मैंने पुराना ही रखा था फ्रेंड्स ये भी, कि पुराना मैंने इसको सही करके रखा था तार पर बांध के सही से। तो सबसे पहले इसे ऑन करके दिखाता हूँ कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हो ये ऑन हो रहा है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ऐसे इस अडैप्टर को आप लोग कैसे इसमें लगा सकते हो वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले करना है फ्रेंड्स आप लोग इसे तार खोल लेने वाले। तो ये मैंने तार खोल लिया है। इस तार को फ्रेंड्स आपको बिल्कुल बाहर निकाल लेना है, रिमूव कर लेना है बिल्कुल आपके एम्पलीफायर से। तो फ्रेंड्स इसका तार मेरे को बाहर निकाल लिया वाला, देख सकते हो तार मेरे को बाहर निकाल लिया इसके, ये इसको अलग कर देता हूँ मैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके दो टाके निकाल लेने ये वाले, ये हरे तार लग रहे हैं, ये देख सकते हो ये ट्रांसफार्मर के दो तार है ये रे, इसको आपको खोल लेना है। तो फिर इसे काट देता हूँ मैं यहाँ से। तो फिर इन्हें काट लिया ट्रांसफार्मर के तार दो। तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब इसके नट बोल्ट खोल लेता हूँ पीछे से इसके। तो ये मैंने इसके नट बोल्ट सारे खोल लिए हैं और ये ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ से निकाल लिया इसको बाहर, देख सकते हो। तो फिर जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है जो कि हमारे एम्पलीफायर में लगा हुआ था जो ख़राब हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसके फ्रेंड्स हम लोग ये अडैप्टर यूज़ करने वाले हैं इसमें 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का। तो इसको कैसे यूज़ करना है फ्रेंड्स, तो इसे अडैप्टर मैंने ले लिया है, इसके तार भी खोल चुका हूँ देख सकते हो। उसके फ्रेंड्स आपको एक पुराना अडैप्टर पड़ा हो उसके यहाँ से काट लेना आप लोग हल्का सा। तो ये कहाँ से काट देता उसको, ये काट दिया तार निकलते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर, इसको आपको छील लेना है। और ये दो तार आपने जो निकाले थे फ्रेंड्स आपके ट्रांसफार्मर में से, ये वाले दो तार इसको भी आप लोगों को छील लेना है। तो फ्रेंड्स ये दो तार आप लोगों को इस पर जॉइंट कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स इसको कोई माइनस प्लस नहीं होता है। अगर फ्रेंड्स अगर आपके तार इसमें पहले लगे हों निकाल रखे हों तो आप इसमें ही जॉइंट कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर माइनस प्लस नहीं होता है। या फिर आप अपने तरीके से कोई लगाओगे तार को तो आप कैसे लगा सकते हो वो आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिख रहा हो ये रेड ब्लैक आपको दिख रहा हो, ये इधर वाला रेड है इधर वाला ब्लैक है। तो अगर आपके में दो तार नहीं निकल रहे फ्रेंड्स तो आप इन दो अडैप्टर के तारों को इस दो पे लगा सकते हो, जो कि इधर वाला रेड है इधर वाला ब्लैक है फ्रेंड्स, ये प्लस ये माइनस है, तो आप इसमें भी लगा सकते हो।
आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हो ये रेड और ये ब्लैक। तो आप ये दो तार इसमें भी लगा सकते हो, ये वाले रेड वाला और ब्लैक वाला इसमें लगा सकते हो। और नहीं तो फ्रेंड्स अगर आपके में दो तार निकल रहे हैं तो आप इसमें ही जॉइंट कीजिएगा, क्योंकि सप्लाई बिल्कुल सही हो जाती है फिर। और आपके में दो तार नहीं निकल रहे तो आप ये दो तार इसमें लगा सकते हो फ्रेंड्स। तो ये दो तार मैं इसमें जॉइंट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने दो तार इसमें जॉइंट कर लिए वाले जो कि इसमें लग रहे थे, देख सकते हो ये दो तार मैंने इसमें जॉइंट कर लिए हैं, जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एडाप्टर मैंने इसमें यूज़ करा है, जो कि मैंने वाला एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर इसमें निकाला था 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का, उसकी जगह पर मैंने 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एडाप्टर लगा लिया है। तो भाई इस तरीके से आप लोग इसमें एडाप्टर लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आप लोग ये ऑन कर दिखाता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा। तो इस एडाप्टर को लगा लेता हूँ फ्रेंड्स अपने बोर्ड के अंदर, ये रहा हमारा बोर्ड, इसमें लगा के दिखाता हूँ कि अब ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हो ऑन हो चुका है, इंडिकेटर चल रहा है, डिस्प्ले भी चल रही है फ्रेंड्स, उसमें साउंड भी आ चुका है। In various designs, so celebrate this Christmas with carpets by RKS. तो फ्रेंड्स जैसे कि ये ऑन हो चुका है बिल्कुल ही, इसे निकाल लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग अपने पुराने डेड एम्पलीफायर को सही कर सकते हो फ्रेंड्स अपने घर पर। अगर फ्रेंड्स आपका पुराना एडाप्टर पड़ा हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और नहीं तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आके 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का एडाप्टर ला सकते हो, नहीं तो आप ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हो फ्रेंड्स इसके अंदर। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने इसमें ये वाला ट्रांसफार्मर निकाला था, ये देख सकते हो, जो कि हमारा 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर इसके अंदर लग रहा था। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, इस ट्रांसफार्मर को निकाल के उसकी जगह फिर हमने 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एडाप्टर यूज़ कर रहे हैं इसमें, जो कि हमारे घर पर पुराना 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एडाप्टर पड़ा था। तो फ्रेंड्स वही हमने इसके अंदर यूज़ कर लिया है। तो अगर आप फ्रेंड्स आपके घर पर 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर या 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का एडाप्टर पड़ा हो, जो कि आपके डिस्टर्बिंग वगैरह में यूज़ होता रहता है, वो फ्रेंड्स आप लोग अपने पुराने एम्पलीफायर में लगा सकते हो और उससे आपका एम्पलीफायर को ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का लगाइएगा या फिर 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का लगाइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपका कोई पुराना एडाप्टर नहीं पड़ा तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आकर ले सकते हो, 50-60 रुपये में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको 70-80 रुपये में 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स आप इसमें लगा सकते हो। तो फिर इस तरीके से आप लोग अपने पुराने जो एम्पलीफायर होता है, जो भी डेड होता है जिसमें सप्लाई की प्रॉब्लम आती है, वो आप लोग इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप हमारे एम्पलीफायर को ओके हो चुका है, तो जल्दी से कर लेते हैं फ्रेंड्स इसे बंद। तो फ्रेंड्स इसे जल्दी से बंद कर लेता हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने इस एम्पलीफायर को कर लिया बंद, तो फ्रेंड्स अब आप लोग एक बार और चेक कर दिखा देता हूँ कि हमारा एम्पलीफायर ऑन है कि नहीं हो, जिससे कि आप लोग यकीन हो जाए कि मैंने एम्पलीफायर को वाकई में रिपेयर करा है फ्रेंड्स। कि बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि सर आपने गलत बता रहे हो या फिर आपने फ्रॉड बताया है वीडियो के अंदर, इसलिए फ्रेंड्स आपको एक बार और चेक करा देता हूँ। तो ये मेरा एडाप्टर देख सकते हो, इसमें ब्लैक तरह भी लग रहा है आपको दिख रहा होगा, जिसे ऑन करके दिखाता हूँ एक बार और। तो फिर मेरा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। तो इस एम्पलीफायर में हमारी सप्लाई की प्रॉब्लम थी, जो कि हमने सही कर लिया है और इसके अंदर हमने एडाप्टर लगाया है और इसके अंदर से हमारे ट्रांसफर निकाल लिया फ्रेंड्स, जो कि हमारा ख़राब हो चुका था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अपने घर पे अपने पुराने एम्पलीफायर को सही कर सकते हो फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी कम पैसों में और काफ़ी कम समय के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग हमारी वीडियो कैसा लगता है। कि साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स। कि साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के वो जान सके कैसे वो लोग अपने घर पर अपने पुराने डेड एम्पलीफायर की सप्लाई सही कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपके एम्पलीफायर में कोई और समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स इसके ऊपर काफ़ी सारे और वीडियो बना रखे हैं एम्पलीफायर के ऊपर, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि अगर आपके वॉल्यूम बेस ट्यूबलर में कोई दिक्कत आती है वो आप कैसे सही कर सकते हो फ्रेंड्स, या फिर आपने एम्पलीफायर की वायरिंग कर सकते हो, या फिर आपके पुराने जो एम्पलीफायर होता है जिसमें ब्लूटूथ नहीं होता फ्रेंड्स उसके अंदर आप ब्लूटूथ कैसे लगा सकते हो। तो इन सब चीज़ों को मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सारे वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इन सारे वीडियो को देख सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपके मन में हमारे सवाल है तो कमेंट पर बताएगा, और साथ ही फ्रेंड बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, ताकि वो मोटिव मिले आपके लिए बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही,
जल्द मिलता फ्रेंड्स आपके नए वीडियो लेके, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।